हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर डेरिवेटिव से। ये क्वेरी हमें भेजा है रियांश ने फ्रॉम काठमांडू नेपाल। तो चलिए देखते हैं। आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 10x प्लस 10x की होल पावर x। एकदम आसान। सबसे पहले क्या करिए, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको y के इक्वल लेट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले उसे y के इक्वल लेट लें। अब जरा ध्यान से देखें कि ये जो पावर लगी है इस क्वेश्चन में वो एक न्यूमरल नंबर नहीं है। न्यूमरल नंबर नहीं है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का नंबर नहीं है। ऊपर आपके पास 10x और x है। तो याद रखिएगा, डेरिवेटिव करते समय अगर आपके पास पावर न्यूमरल नहीं है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह के क्वेश्चनों का डेरिवेटिव किस तरह से किया जाएगा तो मेरा जवाब है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी पावर में एक न्यूमरल डिजिट नहीं है, न्यूमरल नंबर नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी एक ट्विस्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में लॉग नहीं लिया जा सकता, उससे पहले मुझे क्या करना होगा वो देखिए। सबसे पहले मुझे लिखना है y इज इक्वल टू यू प्लस बी, मतलब इस x की पावर 10x को मुझे u मानना पड़ेगा और 10x की होल पावर x को v मानना पड़ेगा। अब जरा इसे x की रिस्पेक्ट में डिराइव कीजिए, देखिएगा। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, u का डेरिवेटिव du/dx और v का डेरिवेटिव dv/dx, और इसको इक्वेशन 1 मान के यही छोड़ दीजिए। आगे करना क्या है देखिएगा ध्यान से। लेकिन ऐसे हर क्वेश्चन में जहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होना है, लेकिन दो या दो से ज्यादा टर्म के बीच में ये प्लस हो या माइनस हो तो डायरेक्टली लॉग नहीं लिया जाएगा, पहले इस तरह से लेट किया जाएगा। लिख लो यहां पर, लेट y इक्वल टू यू प्लस वी, इसमें पहला टर्म u दिखा रहा है, दूसरा टर्म v दिखा रहा है, और उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, u का डेरिवेटिव du/dx, v का डेरिवेटिव dv/dx, और इसको यही क्वेश्चन वन मान के छोड़िए। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है वो देखिए। हमने u को क्या लेट लिया है, u बराबर x की पावर 10x। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में अब लॉग लिया जा सकता है जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो तो लॉग नहीं लिया जा सकता, वरना लॉग तो मैं फिर पहले क्वेश्चन में ही ले लेता। सॉरी, लॉग नहीं लिया जा सकता। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स चेक करिए। नाउ लॉग यू, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज ही लिखा जाएगा। लेकिन चेक करिए लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग एम की पावर एन, मतलब लॉग एम की पावर एन, तो नियम कहता है ये एन आगे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से 10x log x। इस प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं। अगर log m की पावर n है तो log कहता है इस n को आगे ले आइए और इस तरह से लिख दीजिए। तो बिल्कुल यही log की प्रॉपर्टी मैंने यहां अप्लाई करी है, log x की पावर 10x में 10x आगे आ गया, log x as it is। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो log u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव आगे करेंगे तो du/dx। चेक करिए 10x into log x, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और हमें डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव, अब log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरे टर्म को छोड़ दीजिए और पहले टर्म का डेरिवेटिव, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec2x, ठीक है। चलिए यहां से du/dx की वैल्यू निकालिए, तो du/dx is equal to, ये u यहां डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u 10x होल अपॉन x प्लस log x इनटू sec स्क्वायर x, और ये जो u हमने लेट लिया था x की पावर 10x उसे यहां पुट कर दीजिए, आगे आपका du/dx का वैल्यू। ध्यान से देखिए du/dx is equal to, ये u का वैल्यू x की पावर 10x पुट करिए इसके अंदर x की पावर 10x, और ये जो ब्रैकेट है उसको तो एज इट इज लिख दीजिए, कोई चेंज करने का जरूरत है ही नहीं, तो 10x अपॉन x
तो tan x अपॉन x और प्लस log x इनटू sec स्क्वायर x प्लस log x इनटू sec स्क्वायर x। तो ये लीजिए du by dx का वैल्यू जो मुझे यहां पुट करना है आ चुका है। चलिए अब जिस तरह से मैंने ये u लेट लिया था इसी तरह से v लेट लूंगा और dv by dx का वैल्यू निकाल दूंगा। चलिए v is equal to क्या लेट लिया मैंने, वो मैंने लिया है tan x की होल पावर x, क्योंकि पावर में यहां पर भी कोई न्यूमरल डिजिट तो है नहीं तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। चलिए लॉग लेते हैं, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग tan x की होल पावर x। अब सेम फॉर्मूला log m की पावर n, log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा, चेक करिए। तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा x आगे आ जाएगा, तो x into log of tan x। Now log v का डेरिवेटिव 1 by v और v का डेरिवेटिव आगे क्या होगा dv over dx। चेक करिए क्या दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, x into log tan x बिल्कुल हाँ, और डेरिवेटिव करना है तो अगर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो और डेरिवेटिव करना हो कॉमन लगाना है प्रोडक्ट रूल, जैसे पीछे लगाया था मुझसे, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो log tan x का डेरिवेटिव पहले 1 by tan x होगा और फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर समझ लीजिए log x का डेरिवेटिव, log x इज 1 by x, x की जगह tan x लिखा तो 1 by tan x और tan x का डेरिवेटिव फिर से आगे होगा sec स्क्वायर x प्लस, क्यों पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा मतलब log tan x छूट जाएगा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब v उधर जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, तो dv by dx is equal to जैसे u गया था v को लेके जाइए उधर, v ये कितना आगे देखिए x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log of tan x। नाउ इस v का वैल्यू ये जो लेट लिया गया था उसे पुट कीजिए तो dv over dx आ जाएगा, तो dv over dx is equal to v, v कितना tan x की होल पावर x ब्रैकेट ये जो लिखा है एज इट इज, देखो इसे ये हो गया x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log of tan x, log of tan x। चेक करिए du ओवर dx dv ओवर dx दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, बस इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए आ गया आपका आंसर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du ओवर dx एंड dv ओवर dx इन इक्वेशन पर तो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू du ओवर dx, तो ये हो गया x की पावर tan x ब्रैकेट tan x upon x plus log x into sec square x bracket 1 plus plus है तो plus लगा दिए dv over dx मेरे डालिए tan x की whole power x bracket x sec square x upon tan x और plus log of tan x। ये लीजिए आ गया आपका final answer, ये क्वेश्चन हमारे पास था जिसका डेरिवेटिव मुझे करना था उसका ये आया आपके पास फाइनल आंसर। लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर पावर में न्यूमरल डिजिट नहीं है तो लॉग लेना पड़ेगा, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म हो जिसमें आपको पता है कि लॉग तो लेना ही लेना है लेकिन उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो डायरेक्टली लॉग नहीं लिया जा सकता, पहले दोनों को सेपरेटली टर्म्स लेट करने पड़ेंगे और सेपरेटली फिर उनके अंदर यू और वी लेके लॉग लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिनिश हुआ।